अस्सलाम वालेकुम, बुशरा हक हियर। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल बुशरा हक ऑफिशियल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आज मैं बात कर रही हूँ कराची के मौसम की, जो कि इंतहाई गर्म है। पिछले एक दो महीने से, अब तो जून भी एंड होने वाला है, जुलाई शुरू होने वाला है, और कराची में गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। इंसान अगर घर से बाहर निकलेगा तो आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी गर्मी है। 24 घंटे अगर बैठना है तो एसी में बैठना, और हर एक के लिए एसी में बैठना मुमकिन भी नहीं है। जाहिर है बिल बहुत ज्यादा आते हैं, लोगों को बहुत परेशानी है, और जो लोग एसी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं वो यही रोना रो रहे हैं कि यार इस महीने बिल बहुत आने वाला है। खैर, ये चीजें तो अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आज बारिश के बारे में कि कराची में बारिश कब होगी। तो कराची में मॉनसून का जो सिस्टम है वो दाखिल होगा, 26 की तारीख दी थी कि 26 तारीख से, 26 की रात से तेज हवाएं, गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी सिंध में, स्पेशली सांगढ़ में, मिट्टी में, और दीगर जो सिंध के जो शहर हैं वहां पर गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ साथ बारिश भी होगी, और कराची और हैदराबाद में भी तेज बारिश होगी। लेकिन ये जो बारिश का सिलसिला होगा वो कुछ दिन के लिए होगा। जो कराची में तेज बारिश होनी है, जो मूसलाधार बारिशें होनी है, वो होनी है जुलाई के पहले हफ्ते में। जुलाई के पहले हफ्ते में जो सिस्टम कराची में दाखिल होगा, कहा तो यही जा रहा है, मेट ऑफिस यही बता रहा है कि पूरे एक महीने तक शदीद बारिश होनी है, और तकरीबन 60 मिलीमीटर से भी ऊपर की ये बारिश होंगी। तो आप लोगों ने करना है कि अभी से तमाम प्रिकॉशंस ले लेनी है, ख्याल रखना है, घर की जो छतें जिनकी लीक होनी है, जो होती है अक्सर जब बारिश में, तो जी जल्दी जल्दी अपने घर के सिस्टम को आप ओके कर लें, ताकि जब बारिश हो तो बारिश आप लोगों के लिए कोई जहमत ना बने। साथ साथ के इलेक्ट्रिक के लिए भी मैसेज है कि अपने सिस्टम को बेहतर बना लें, क्योंकि हमारे यहाँ जब बिजली जाती है तो टक करके लाइट भी साथ ही चली जाती है, जिससे और ज्यादा मसला हो जाता है। सड़कों पे पानी रुकता है, सीवरेज के सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, नालों को साफ होना चाहिए, क्योंकि अभी से ही अलर्ट जारी हो गए हैं कि कराची में जुलाई के पहले हफ्ते से शदीद बारिश होने वाली है। तो आप सबसे भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये कहना चाह रही हूँ कि बारिशें आने वाली हैं, थोड़ी सी गर्मी और बर्दाश्त करें, आगे इंशाल्लाह मौसम बहुत बेहतर हो जाएगा। बस अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ करें कि आने वाली ये बारिशें हमारे लिए रहमत का बाइस बने, ना कि जहमत का। तो आप सबने अपना और अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखना है। गर्द आलूद और तेज हवाएं जब चलनी है तो अपने घर के अंदर रहना है। कोशिश करें कि जो जहां है, जो अगर दफ्तर में है, जो घर में, वो वहीं पर रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हवाएं, कहा यही जा रहा है, मेट ऑफिस यही बता रहा है कि बहुत तेज हवाएं चलेंगी। तो बस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और जाते जाते फिर ये कहूंगी कि दुआ कीजिए कि ये बारिशें जो आने वाले हफ्ते में होने वाली है, ये हमारे लिए रहमत बनकर आए। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।